आपके बिहाव के महू साक्षी रहे हूँ, जब बेमेतरा के पास सैगनो गांव आपके बारात गिरी से बड़ा धूम रही बारात के, वो बारात में जिन वाद्य यंत्र आए जिन बाजा रही तेनों अलग टाइप के रही से, मतलब हर चीज आप अलग करता हो। एक चीज देखो अलग, वो मोर आइडिया नहीं रही से। हाँ। वो मोर पिताजी के आइडिया रही से। अच्छा। मोर शादी में बोलीस पूरा छत्तीसगढ़ी शादी करवो। अच्छा। मोर जो इन्विटेशन कार्ड भी रही से शादी के बंटवारे है ना मन। हाँ। वो छत्तीसगढ़ी में रही से। अच्छा। तो पिताजी बस्तर से जगदलपुर से। हाँ। वो बाजा वाला बुलाया रही से। हाँ। जो बिहाव बाजा बजाते हैं उनके एकदम फोक बाजा वाला मतलब वहाँ ठेठ वाला मतलब वो मतलब बुलाया रही से। उहू में एक नाटक हो गई रही से बढ़िया। अच्छा। तमाशा हो गई रही से कि जब मोर बाद में मोर वाइफ बताई से। हाँ। कि ओकर जितका भाई बहने मोर साला साली मन। हाँ। वहाँ सोचे रहे शादी में खूब नाचबो। हाँ। ये बैंड बाजा लाही। हाँ। रायपुर ले। हाँ। ओकर बैंड बाजा बजियो में खूब नाचबो। और वहाँ वो हमार बाजा वाला मन पहुंच गए। हाँ। बस्तरिया बाजा वाला मन। हाँ। वो मन बजाए तो मतलब मजा ही नहीं आई। एक को जन नहीं नाची में अलग हो गया पूरा। हाँ सब अलग हो। और एक नाटक हो गई से अब बारात हमारे जा रही से सड़क में। हाँ। अब मैं बैठे रहे कार में। हाँ। और सब हमार अब मोर भाई मन सब नाचत रही ने भाई मोस्त दोस्त यार मन सब नाचा थे खूब नाचे। अदका बारिश हुई खूब गाँव के अंदर खूब बारिश हो गए। बारिश हो गए सब भाग गए मूल अकेला छोड़ के। लेकिन हर बार आप नवा नवा जिन हे हीरो मल्ला आप उतारत रही थो तो कभी डर नहीं लगा कि भाई नया प्रयोग करत हो या नवा हीरो मल्ला या नवा वाला लात हो तो कोई दिक्कत हुई कि क्या? थोड़ा सा भरोसा है मोला। हाँ। छत्तीसगढ़ के दर्शक के ऊपर भरोसा है। हाँ। वो मोला पहचानते हैं जानते हैं और मोला पसंद करते हैं तो मोला भरोसा है कि मैं कोई भी कलाकार लाऊँ जो टैलेंटेड है। ऐसे भी कोई नहीं जो टैलेंटेड है जो काबिल है अगर वाला लेके आऊँ बनाऊँ फिल्म तो वो मन देखे लाही। तो मोला डर नहीं है कि मैं इसे एकदम नवा कलाकार लेके आऊँ बनाऊँ तो कोई तकलीफ होगी। अनुजला करे रहे तो वो तो एक्टिंग भी नहीं कभी करी जिंदगी में कोई काम नहीं करी से। प्रकाश के भी एक आठों पिक्चर आ रही से छोटे मोटे और कोई बड़े पिक्चर कर आ नहीं रही से मैं आगे पहले। लेकिन मन के साथ जब मैं काम कर रहे हूँ तो मन के काफ़ी बड़े बड़े हिट पिक्चर आ गए ऑलरेडी स्टार रही से। अभी जन आपके पिक्चर के बड़ा चर्चा चला थे मतलब रिलीज हुए पहली ओकर चर्चा हो गई से वो पिक्चर के बारे में आप हमला बताओ। वो पिक्चर का नाम है हर जन पगली फंस जावे। हाँ। और वो पिक्चर है जैसे टाइटल बता थे। हाँ। हर जन पगली फंस जावे। फंस जावे मतलब हर जन पगली माया हो जाएगी। अच्छा है ना। तो टाइटल खेलो अगर मैं कैसे ले टाइटल टाइटल वही सड़क में सब जन पड़े हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। हाँ। हर ट्रक के पीछे लिखा रहा है। हाँ। तो मुहूँ पढ़ा एक बार बहुत पहले जब मुझे घूमो तो अपन पिक्चर के चक्कर में जगह जगह घूमे पड़ते। हाँ। तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगे मोला टाइटल। हाँ। मैं सोचे करते यार लिखे तो पिक्चचर के टाइटल हो सके थे। हाँ। तो वहाँ से लव स्टोरी बनाया सोच मैं अभी तक फैमिली ड्रामा बनाया सब फैमिली ड्रामा या एक्शन पिक्चर बना पहली बार मैं लव स्टोरी ट्राई करे वो मुँह चैलेंज पर कि लव स्टोरी बना सकता हूँ कि नहीं मैं। तो मैं सोचे टाइटल रखे हर जन पगली फंस जावे। लव स्टोरी बनाता हूँ तो मोर सामने चैलेंज रही थी कि लव स्टोरी में म्यूजिक बहुत बड़ा हिट होना चाहिए। तो भगवान की कृपा से हमारे पिक्चर के सब गाना सुपर हिट हो गए। बिल्कुल। एक तो गाना मीठ मीठ लागे वो तो वायरल हो चुका। वायरल है बहुत वायरल गाना जबरदस्त वायरल अब सुनथन वो गाना ला। वास्तव में ये गाना जिन्हें गाँव गाँव शहर शहर में बहुत वायरल है और सुने में बड़ा मजा आते तो आप मन सुनो ये गाना ला। मिठ मिठ लागे माया के बानी ओ माया के बानी मोरो अंतस मा पीरा होती गारा जा धीरे धीरे। छत्तीसगढ़ी भाका के जन प्रचार होना चाहिए ओकर से आप संतुष्ट हो कि और कुछ होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार जितना अच्छा तरीके से छत्तीसगढ़ी सिनेमा करते ना मोला नहीं लगे कोई और संस्था कर सकते। मल्टीप्लेक्स में छत्तीसगढ़ी फिल्म जब दिखाई जाए तो वाला छत्तीसगढ़ी फिल्म में या दर्शक ला का कोई अंतर लगी क्या उधर अच्छा प्रभाव जाए अच्छा संदेश जाए। अब मल्टीप्लेक्स कल्चर पैदा हो गए। कई जन के घर में बच्चा ऐसा है जो सिंगल स्क्रीन में जाके देखना ही पसंद नहीं करे। ठीक है ना। कई जन कहते हैं बातचीत में कहते हैं नहीं मोर मोला तो आजकल मल्टीप्लेक्स से अच्छा लगते वही मजा आते हम तो जान नहीं के दिन हो गए नहीं गए ऐसे टाकिज में गए तो वो मन देखना चाहते हैं फिल्म मल्टीप्लेक्स में छत्तीसगढ़ी पिक्चर ला। अब नहीं आए तो कैसे देखी। अभी जिन मल्टीप्लेक्स में छत्तीसगढ़ी फिल्म लगाए पर जिन आंदोलन हुई वो मैं पहली बार इसे देखी कि छत्तीसगढ़ के तमाम कलाकार वहाँ एकत्रित हुई और अपन उपस्थिति दर्ज कराई ओकर बारे में आपका क्या कहना है कि एकजुटता बड़ा देखे लाई। हाँ पूरा सब जन एकजुट रही है। हाँ। और हालांकि कुछ मन आलोचना भी करते हैं कि कुछ एकजुट एक दो जो दो तीन जन अलग रही है दो तीन जन से पूरा इंडस्ट्री तो नहीं बन जाए ना। हाँ। अब
2,500 कलाकार बिलासपुर से आ रही ने, दुर्ग से आ रही ने, राजनांदगांव से आ रही ने, भिलाई से आ रही ने, और सब मन आईन और सब मन एक छत के नीचे आके अतक बड़ा आंदोलन करी पूरा पूरा मतलब करी ने। और अब मल्टीप्लेक्स लगाए बा करी, मल्टीप्लेक्स में छत्तीसगढ़ी पिक्चर लगाए बा करी। अब मल्टीप्लेक्स वाला मन हमारे छत्तीसगढ़ी पिक्चर लगाए बे तैयार हो गए, हमारे ट्रस्ट में तैयार हो गए, ये वो कलाकार मन की जीत है। बहुत सही, वही कलाकार वो मन अति पैसन के साथ ये संघर्ष नहीं कर रहती ना, तो आज हमारा ये जीत हासिल नहीं हो रही थी। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट का है छत्तीसगढ़ी पिक्चर लेके? छत्तीसगढ़ी पिक्चर लेके वो ड्रीम प्रोजेक्ट है छैया भुइया 2 बनाना है मोला। अरे वाह, बहुत सुंदर। काबर की वो टाइम जिन लोगों ने देखे हैं वो टाइम के व्यवस्था लग रही से, अब आपके पास अलग प्रकार के व्यवस्था आ गए, दर्शक भी ज्यादा हो गए हैं, तो छैया भुइया के 2 पार्ट अजन आई लोगन बहुत पसंद करी। उस समय भी मैं एजुकेशन सिस्टम के जो कमियां हैं ओमला दिखा रहे हूँ पिक्चर में, जो जो कमियां है डी से। वो टाइम के संस्कृति मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रही से सत्यनारायण शर्मा जी, वो पिक्चर देखे ला रही से, और पिक्चर देखे आए के बाद एकदम चुप हो गए कि वो बोली यार जो जो समस्या है सब जो दिखा दो, शिक्षा व्यवस्था में हमारे जो जो कमियां हैं सब चीज़ ला दिखा दो, मैं कोशिश करूँगी कि सब कमी दूर हो सके। तो छैया भुइया पार्ट 2 में भी आई ना, तो उनमें भी सिस्टम के कमी कोई बात ऐसी ओला जरूर रखूँ जो कर ब्रांड है छैया भुइया के जो ब्रांड है। तो कई बार ऐसे होते कि जो नवा गाना आते, कई नवा गाना आते ओमा वो छत्तीसगढ़ी के जिन कहे जा रस जिन हो मनी दिखेल मिले, ऐसे काबर हुआ था वो तो वो गाना मन हिट नहीं हो ना। अभी जैसे आप सुनू जैसे जो गाना हमारे हिट होते मीठ मीठ लगे, वो गाना हमारे शादी बिहाव के गाना है, बिहाव के धुने, वही बिहाव के शादी के गाना ला मैं रोमांटिक गाना बना दे, और वो शादी के सीन में पिक्चराइज करे हूँ गाना ला, शादी होते वहाँ पिक्चराइज करे हूँ, रोमांस हीरो हीरोइन को रोमांस दिखाए गाना में, तो वो बिहाव गीत है। एक ठनाव गाना मोर हिट हो गए, बहुत हिट हो गए, ए मोर जहूरिया ते किरिया खा ले, वो कर्मा है ठीक है। तो गाना कौन हिट होते जे हमारे फोक संगीत है ठीक है ना, जो हमारे संस्कृति लोक संस्कृति के छत्तीसगढ़ी धुन है वही हिट होते, और जो अलग तरीके गाना बनाते हैं तो नहीं चलते ना जी ठीक है ना। सतीश जी से बहुत सारा बात हमन करें, पूरा फिल्म के बारे में हम जानें कौन तरीके से, चाहे मोर छैया भुइया के बात करें, चाहे अभी जैंखर पिक्चर आए तेखर बारे में बात करें, तो बड़ा आनंद है। और कैसे संघर्ष करत हुए सतीश जी यहाँ तक पहुँचे हैं, चाहे बम्बई के संघर्ष के बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ के संघर्ष के बात करें, लेकिन आज भी ये तपस्वी है जो छत्तीसगढ़ी फिल्म पर लगातार प्रयास करते हैं। सतीश जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि देसी टॉक में आप आए और अतका समय निकाल के बढ़िया सुगर सुगर बात हमारे करें। बहुत बहुत धन्यवाद सब देसी टॉक ला सुनने वाला दर्शक मनला, देखने वाला दर्शक मनला, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि एपिसोड आप मनला बहुत पसंद आए। सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस में।